सावन माह की शिवरात्रि हर वहीं देश भर की बात की जाए तो कांवड़िए जल लेकर यहाँ मंदिरों में जल अभिषेक करें। मानता है कि जिस शिवरात्रि है उससे भक्त वहाँ पर जो जल का अभिषेक करते हैं हरिद्वार से कांवड़ का जो जल लेकर मंदिरों में चढ़ा जाता है। जींद के ऐतिहासिक मंदिर की बात की जाए तो राधा कृष्ण मंदिर है, जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भक्तों का नज़ारा लगा हुआ, जहाँ पर जो कांवड़ भक्त आए थे उन्होंने यहाँ पर जल चढ़ा, वहीं देखा जा रहा था जो शिव की जो महिमा उसका गुणगान किया जा रहा है। हमारे साथ महंत हैं राधा कृष्ण मंदिर के, जो उनसे बात करें। जी क्या मान्यता है आज के दिन जो शिवरात्रि का जो त्यौहार मनाया जा रहा है? यह त्यौहार हरसुर श्रावण महीने की 13 या 14 को मनाया जाता है। इस दिन भगवान जो समुद्र मंथन से हलाल नाम का विष निकला था वो भगवान शंकर ने उसको पीकर अपने गले में रोक लिया, तो उसके कारण जो तपन थी, नेगेटिव ऊर्जा थी, उसको सभी देवी देवताओं ने पंचामृत से स्नान करवा के, गंगा जल से स्नान करवा कर उनके पंचामृत को दूर किया था। इस कारण से यह त्यौहार मनाया जाता है। बाहर से भगत आते हैं, सभी जो गांव के आदमी हैं हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं, उसके बाद भगवान भोले का रात 12 बजे से अभी तक अभिषेक लगातार जारी। किस तरीके से जो जलाभिषेक किया जाता है, पूजा अर्चना से किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, क्या चढ़ाया जाता है? भगवान भोले पर कई तरह से पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले तो भगवान भोले का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, उसके बाद अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भांति भांति तरीके से कोई बेलपत्र चढ़ा के, कोई भांग चढ़ा के और कोई शहद वगैरह चढ़ा के भी अपनी मनोकामना पूर्ण की जा सकती है। कावड़ का क्या महत्व है? जो कावड़ का महत्व है कि हरिद्वार से गंगा जल पूरी शुद्धि से बिल्कुल निष्ठापूर्वक ध्यानपूर्वक पूरी शुद्धि से गंगा जल लेके आए और भगवान शिव को अर्पण करें, इससे भगवान जल बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्या महत्व है महाशिवरात्रि का? मंगलवार शिवरात्रि का महत्व, यह महत्व बहुत दिनों बाद आता है। आज शिवरात्रि का जो महत्व है सुबह 5:40 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा, उसके बाद जो बदरा होगा उसका परित्याग रहेगा, उसके बाद शाम 6:18 से 9:18 तक दोबारा फिर महत्व होगा। जो प्रदोष काल है उसमें पूजा का विशेष महत्व होता है, उसमें जो अपनी सिद्धियाँ वो जल्दी प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, ये थे महंत नंदराम दास राधा कृष्ण मंदिर के महंत, जहाँ पर जो कांवड़ियों जो जल लेकर आए हैं उनसे मानता रहते हैं जिस तरीके से महाशिवरात्रि का जो आज त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। जिनसे इंडिया न्यूज़ राणा के लिए रोहतास बोला की रिपोर्ट। कट दे, बस हो गया।